हेलो डियर सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार 1111 में। आज आपसे बात करूँगी 1111 नंबर्स के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, ये मास्टर नंबर होता है। 1111 संख्या ट्विन फ्लेम के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि ये मास्टर नंबर होते हैं। 1111 एक रिप्रेजेंट, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, उनके साथ आने वाले हो, या फिर आपका यूनियन भी ये दर्शाता है। सो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है जो आपको डिवाइन की तरफ से दिया जाता है जब आप ट्विन जर्नी में होते हो। स्पेशली आप जब सेपरेशन में होते हो और आपका यूनियन होने वाला है, तब शायद ये नंबर आपको ज़्यादा दिखने लगे। ठीक है, ओके। तो 1111 नंबर एक मजबूत कनेक्शन को भी दर्शाता है, एक वननेस को भी दर्शाता है, उसके साथ साथ ये बैलेंस को भी शो करता है। जैसे कि मान लो आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी, लेकिन अब ये नंबर आपको अगर दिख रहा है तो एंजल आपको यही कहना चाहते हैं कि अब आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है, या शायद आपके बीच और आपके काउंटर पार्ट के बीच, दोनों के बीच अब बैलेंस बनने वाला है, या फिर बैलेंस में आ रहे हैं, या फिर आप बैलेंस में आ चुके हो, ये भी दिखाता है। ये आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देगा, तब इसका असर आप पे होगा, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब मोबाइल में आप कहीं सुन रहे हो, टीवी में, पैसे में, शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन, या किसी के मुंह से सुन रहे हो गाड़ी का नंबर, तो इस प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा ये आपका पीछा करेगा। ये तब तक आपको फॉलो करेगा जब तक कि आप इसको ध्यान ना दें इस पर, और इसके मीनिंग को जानने की कोशिश ना करें, तब तक आपके स्पिरिट आपको ये नंबर एकदम तेज़ी से दिखाएगी। अब ये नंबर आपको जर्नी से पहले भी दिखाई दे सकता है कि मान लो जैसे कि आप और आपके दोनों, आपका पार्टनर के बीच थोड़ा झगड़ा हो गया, आपको सोल शॉक दे दिया, उसके बाद आप डार्क नाइट में चल रहे हो, तो आपको ये तभी दिखाई देगा। जैसे कि आपके स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, नई शुरुआत को भी ये दिखाता है। ये भी दिखाता है कि अब आप अपने पार्टनर के साथ हो, अपने ट्विन सोल के साथ हो, या फिर अगर आपकी अवेकनिंग आपके फॉल्स ट्विन से हो चुके हैं, तो ये नंबर आपको दिखाएगा कि अब आपके जीवन में आपके रियल ट्विन आने वाले हैं। ये मिलने से पहले भी दिखता है और मिलने के बाद भी दिखता है, और आप जब मिल चुके हो शायद ये तब भी दिखाता है कि अब आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बिल्कुल पॉजिटिव वे में। तो अपने आप को तैयार रखें, ये भी दिखाता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि हेल्थ में या बिजनेस में भी होते हैं। आप किसी प्रकार के क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, उसका भी इसका एक अलग मीनिंग है। जो आपका नॉर्मल लव कनेक्शन है उसका भी इसका एक अलग मीनिंग है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे ट्विन जर्नी के बारे में। देखिए 1111 नंबर एक बहुत पॉजिटिव साइन है, अगर ये किसी भी क्षेत्र में आप इसे देखेंगे तो इसका जवाब हाँ में ही आएगा, क्योंकि ये एक मास्टर नंबर है और ये बहुत पावरफुल है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो आज हम स्पेशली ट्विन फ्लेम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस टाइम जो सेपरेशन में है, जिनका भी सेपरेशन चल रहा है सेपरेशन फेज में, और वो अपने ऊपर काम कर रहे, तो इस टाइम बहुत सारे DF को 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बहुत सारी DF जो अच्छा काम कर रही है और उन्होंने बिल्कुल अपना काम सरेंडर कर दिया, अपने DM को भी सरेंडर कर दिया, तो इस टाइम उनको 1111 बहुत ज़्यादा दिखने के चांस है। तो ये जब नंबर आपको सेपरेशन में दिखता है, तो ये नंबर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि मान लो आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको जब ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा, अगर आप इसका मीनिंग देखोगे, तो ये आपको उस टाइम बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि स्पिरिट आपको इसीलिए दिखाते हैं कि आप जिस कंडीशन से गुजर रहे हो या फिर सिचुएशन आपकी क्या है, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि आपको सोल्यूशन इस पर वही मिलेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी कनेक्शन की करंट सिचुएशन क्या है, इस पर ये डिपेंड करता है कि नंबर आपको क्या गाइड करते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ साइन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये जब दिखता है तो हमें किस प्रकार से साइन मिल सकते हैं, या फिर इसकी क्या रीज़न हो सकते हैं, साइन हो सकते हैं ये दिखने के। ठीक है, तो सबसे पहला है कि आपको सबसे पहले ये आपके पेंडिंग पड़े हुए यूनियन को
दिखाता है, इसका भी साइन है कि अब आपका जो रुका हुआ काम है ये होने वाला है अगर आपने अच्छा काम किया है तो। दूसरा ये है कि आप दोनों यूनाइट होने के लिए लिए अब आप दोनों का यूनाइट होने के लिए अब गेटवे खुल रहा है, तो बिल्कुल आप इसके लिए तैयार रहे। तीसरा ये हो सकता है कि आपको जर्नी में आने से पहले भी ये मिल सकता है कि आपके लिए कोई है, आपका ही मिरर है, ये डिवाइन आपको बताने की कोशिश करते हैं इस नंबर के थ्रू। ये जर्नी में आने से पहले भी, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये आपको तब भी दिख सकता है ट्विन जर्नी में आने से पहले, मतलब आपके पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन मिलने से पहले भी ये आपको दिखाई देता है कि आप अपने मिरर सोर्स से मिलने वाले हो। तीसरा है कि चौथा है कि ये नंबर बहुत बड़ा चेंज भी दिखाता है जो आपके लाइफ में आएगा, एक प्रकार की न्यू बिगिनिंग के रूप में बिल्कुल पॉजिटिव वे में आएगा। कुछ तो घड़ने वाला है, जैसे कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है, आपके जीवन में एक बदलाव आ सकता है, ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। आप इसको किस तरह से लेते हैं ये बिल्कुल आप पर डिपेंड है। उसके बाद आता है कि 11-11 ये भी दिखाता है कि करंट आप जो रिलेशन में हो, जिस भी कनेक्शन में हो, उसको करंट सिचुएशन बदलने वाली है उसकी, मतलब जो भी चल रही है, जो सारे प्रॉब्लम है या फिर आपका जो मनमुटाव है आपके ट्विन का और आपके बीच में थोड़ा मतलब बैलेंस नहीं आ रहा है, बन पा रहा है, तो आप इस टाइम उस रास्ते पे चल सकते हो। 11-11 ये आपको बताता है कि आप अपने आप को बिल्कुल रेडी करें क्योंकि आपके ट्विन आने वाले हैं, ये यूनियन का बहुत बड़ा साइन है जी, आपके जीवन में वो आने वाले हैं, उनका वेलकम करने के लिए रेडी करें अपने आप को। देखिए अगर आप परेशानी में हैं और ये नंबर आपको पागलों की तरह फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल ये यूनियन का साइन है, आपके ट्विन आपके बहुत करीब आ रहे हैं, वो बहुत करीब है, आपका यूनियन भी बहुत करीब है और ये जल्द होने वाला है, और आपका यूनियन होने का समय भी बहुत करीब दिखाता है 11-11 नंबर। अगर आपको 11-11 दिखता है तो अपने जीवन में करंट क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें, इस पर ये इस नंबर के महत्व को देखें, अपने ट्विन के साथ फिर से जुड़ने के लिए खुद को तैयार करें, ना कि अगर ये आपको दिख रहा है तो बिल्कुल आपके मन में अगर उनके लिए कुछ गिल्ट है या फिर कुछ ब्लेम है, अगर वो आते हैं आप करोगे तो आप अपने हाथों से अपना काम खराब करोगे, तो इसलिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है। ये नंबर डीएम और डीएफ की बैलेंसिंग को भी दिखाता है, जैसे कि आपके अंदर अभी डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंसिंग हो रही है या मे बी हो चुकी है या फिर होने वाली है, मतलब आप जैसा काम करते हो, कि हम बोलते हैं ना कि पहले हमें अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करना है, हमारे डीएम को, अंदर के डीएम को बैलेंस करना है, डीएफ को बैलेंस करना है, हमारा इनर यूनियन करना है, उसके बाद हमारा 3D में यूनियन होता है, तो इस टाइम अगर आपको ये दिख भी रहा है नंबर और आप अच्छे से काम कर रहे हो, तो ये ज़रूर एक पॉजिटिव साइन है कि आपके अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है, आपके इनर यूनियन हो रहा है या होने वाला है, और उसके बाद तो आपका यूनियन तय है। तो आपके हाथ में है सब कुछ, मतलब डिवाइन ने सब सारे सोर्सेस आपको आपके लिए खुले किए हैं, अब आपको उसे कैसे हैंडल करते हैं, आप उसे कैसे हैंडल करते हो, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है, आप पर डिपेंड है। अगर आपका यूनियन फर्स्ट टाइम है तो भी आपको सावधानी बरतनी है, मतलब पहली बार अगर मस्कुलाइन आ रहे हैं, चाहे वो ऑन एंड ऑफ हो, फिर भी आपको सावधानी रखनी है, आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। अगर आपका ऑन एंड ऑफ हो रहा है तो भी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ में बहुत सारे ट्रिगर आते हैं और वो ट्रिगर आपके जर्नी को स्पीडअप करने के लिए आते हैं। आप देखोगे अगर आपने गौर किया है तो हर एक ट्रिगर को जब आप पार कर जाते हो तो आपका एक लेवल अप हो जाता है, तो जो भी ट्रिगर आता है उसको खुले मन से स्वीकारे और उसमें उसको एनालाइज करके आपके लिए उसमें क्या मैसेज है कि आपको किस पर काम करना है, आपको किसको हील करना है, किस चीज़ आपकी सरफेस हो रही है उस ट्रिगर के वजह से, बस उसको देखे, उसे हील करे, उसे रिलीज करे, लेट गो करे। तो ट्रिगर का यही महत्व होता है, जब भी ऑन एंड ऑन सिचुएशन होती है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हील होने के लिए, आपके इशू रिलीज करने के लिए।
ठीक है, इसीलिए डिवाइन मस्कुलाइन ऑन एंड ऑफ करते हैं ताकि वो भी आपको इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। जैसे जैसे डिवाइन उनसे कराता है वे उसी प्रकार से एक्ट करते हैं। अगर आपका यूनियन पहले पहले आपके वजह से ख़राब हुआ है, जैसे कि वो आए आपसे मिलने के लिए और आपने फिर से वही कि तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तो तुम्हारे लिए इतनी साधना की, मैं तुम्हारा ट्विन हूँ और तुम किसी और के, तो अगर ऐसा हुआ होगा तो वो फिर से मतलब तेज़ और तेज़ी से रन कर जाएंगे। तो अगर आपके वजह से पहले आपका यूनियन ख़राब हुआ है तो इस बार आपको फिर से अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करना होगा। अपने अंदर जाके खुद को देखे कि मैंने क्या गलती की थी पिछले बार जो ये सेपरेशन फिर से आ गया। यूनियन के टाइम पर बैलेंस रहना, न्यूट्रल रहना, शांत रहना, निडर रहना, डर से बिल्कुल ऑपरेट नहीं करना। अगर मैं इसके साथ ये करूँगी तो ये फिर से भाग जाएगा, या वो करूँगी तो ये कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए, तो ये अगर आपके मन में डर रहेगा तो वो भी आपको मिरर करेंगे, उनका भी डर आपको दिखेगा और वो डर से फिर से रन कर जाएंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दे, डिवाइन सब संभाल लेते हैं। अपने यूनियन को भी डिवाइन पर सरेंडर करें, अपने आप को भी और अपने डिवाइन मस्कुलाइन को भी, और बाकी जो होता है उसे भगवान को कहे कि मुझे सब कुछ मंजूर है, चाहे यूनियन हो या सेपरेशन हो, या चाहे वो भाग जाए या फिर आ जाए। तो ये 11-11 नंबर का साइन है, और जब आपको ये सेपरेशन में दिखता है तो आपका यूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। यूनियन मतलब इनर यूनियन भी हो सकता है, आपके डीएफ बैलेंसिंग भी हो सकती है, और आपके ज़िंदगी में कोई नया बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी ये दिखाता है, और यूनियन का तो है ही, क्योंकि ये नंबर बहुत पावरफुल है, इसे मास्टर नंबर भी बोलते हैं। तो इस टाइम जिस भी डिवाइन फेमिनाइन को ये नंबर दिख रहा है तो मैं बिल्कुल उन्हें कहूँगी कि आप बिल्कुल अपना काम जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही दिशा में कर रहे हो, और ज़्यादा उस पर ध्यान दे, फोकस दे। बाकी यूनियन तो होना ही है, आपने अगर सरेंडर किया है तो भगवान आपको आपका गिफ्ट ज़रूर देगा। बस आप अपने काम पर ध्यान दे, अपने पूरे सेल्फ लव में रहे, चाहे मस्कुलाइन आए, चाहे ट्रिगर करे, चाहे भाग जाए, या फिर चाहे आपसे प्यार से बात करे, तो आपको बिल्कुल आना चाहिए कि कब आपको इमोशनल होना है और कब आपको अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, और मस्कुलाइन वैसे भी आप ही का पार्ट है, तो वो भी इंट्यूटिव होते हैं, उनके भी इंट्यूशन काम करते हैं, तो आपकी कोई भी ऐसी मैनिपुलेशन उन पर चलने वाली नहीं है। ठीक है ना, तो बिल्कुल वो अगर आपसे मिलने आते हैं तो बिल्कुल आप एकदम फ्रेंड की तरह बात करें, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, है ना। और उन्हें उन्हें पता मतलब उन्हें ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ भूल गई है, या फिर इस प्रकार से आप उनके सामने ऐसा प्रिटेंड करें कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, एक फ्रेंड की तरह रहे, बस फ्रेंड जोन को आप पकड़ कर चले, बाकी तो सब डिवाइन कर देते हैं। तो इस टाइम जिनको भी दिख रहा है उनको बहुत सारा गुड लक, अगर दिख रहा है तो उनका यूनियन हो जाए। यही था आपके लिए एक छोटा सा वीडियो यूनियन पर 11-11 नंबर पर, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे डीएफ को दिख रहा है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा गाइड कर दूँ। अगर आपको आई होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस तो मिल ही गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।